गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत करती हूं आज हम इस वीडियो में पश्चिमी भारत के छह रातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखिएगा यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप इस इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकें ठीक है तो इस वीडियो से पहले हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म इतिहास किसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता महाजनपद काल और मगध महाजनपद का जो मौर्य वंश है उनके बारे में हम हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी तो आप प्लेलिस्ट में जाके और इन सब ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो देखिए पढ़ते हैं पश्चिमी भारत के रात पश्चिमी भारत में दो शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं महाराष्ट्र का क्षयरात वंश और कार्दमक अर्थात चस्टन वंश अथवा सूराष्ट्र और मालवा के सक्षत्रप ठीक है इन्होंने कुछ समय के लिए महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश सातवाहनों से छीन लिया था इनका विवरण इस प्रकार से है तो सातवाहनों के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्षयरात वंश इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र लाट तथा सूराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया छह रात वंश का पहला राजा भूमक था उसके सिक्के गुजरात काठियावाड़ तथा मालवा के क्षेत्र से मिलते हैं सिक्कों पर ब्राह्मी तथा खरोस्टी लिपियों में लेख लिखे गए हैं खरोस्टी लिपि के प्रयोग से ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजपुताना तथा सिंध के कुछ भागों पर भी उसका अधिकार था भूमक को कोई अभिलेख नहीं मिलता है तो भूमक का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है नयापान इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र से मिले हैं ये चांदी तथा तांबे के सिक्के हैं सिक्के निश्चित मानक के हैं उसके समय में सोने तथा चांदी के सिक्के कारसार्पण की विनिमय दर एक अनुपात पैंतीस थी नासिक के एक लेख में सत्तर हजार का मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा में दिया गया है सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए है नहपान के उसके दामाद ऋषभ दत्त के गुहा, गुहा लेख नासिक तथा कार्ले से मिला मिलता है ऋषभ दत्त नहपान के समय में उसके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन जो नासिक में तथा मामल जो में का था। नासिक के एक गोहा लेख से ज्ञात होता है कि जब राजस्थान के उत्तम भद्र जाति के लोग मालियों अर्थात मालवों से घिर गए तो उनकी रक्षा के लिए ऋषभ दत्त वहाँ गया था उसने मालवों को बुरी तरह परास्त किया तथा इसके बाद पुष्प पुष्कर तीर्थ में दान दिया इससे प्रतीत होता है कि राजपुताना के पुष्कर तीर्थ जो अजमेर में है क्षेत्र पर भी नहपान का प्रभाव था नासिक तथा पूना जिलों को उसने सातवाहनों से जीता था इस प्रकार उसका राज्य उत्तर में अजमेर से लेकर दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र तक विस्तृत था पेरीपल्स के अनुसार उसकी राजधानी मिन्नगर भड़ोस तथा उज्जैन के बीच स्थित थी ठीक है नयापाल ने लगभग 119 सौ ईस्वी से 125 सौ ईस्वी तक राज्य किया वह सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया जोगलथंबी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गोतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए हैं इससे ऐसा लगता है कि गोतमीपुत्र ने नहपान के जोगलथंबी स्थित कोषागार पर अधिकार कर लिया नहपान के मृत्यु के साथ ही पश्चिमी भारत से छह क्षत्रपतों की शक्ति का अंत हो गया अब आता है आपका कादर्मक अर्थात चस्टन वंश छह रातों के बाद सूराष्ट्र तथा मालवा में शकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया यह नया वंश कादर्मक वंश के नाम से प्रसिद्ध है पश्चिमी भारत में इस नवीन वंश की सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक चस्टन था वह यशमौतिक का पुत्र था चस्टन कुषाणु की अधीनता में पहले सिंध क्षेत्र का छत्रप था नयपान की मृत्यु के बाद उसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिण पश्चिमी प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया लगता है कि बाद में उसने अपने को स्वतंत्र कर लिया तथा महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली वृद्धावस्था में चष्टन ने अपने पुत्र जय दामन को छत्रप नियुक्त किया इसने सातवाहनों से उज्जैनी को जीत लिया चस्टन के जीवन काल में ही जयदमन की मृत्यु हो गई और वह स्वतंत्र शासक नहीं हो पाया उसके बाद चस्टन ने अपने पौत्र जयदमन के पुत्र रुद्र छत्र प्रथम को छत्रप नियुक्ति किया अंदो कच्छवाड़ी अभिलेख से पता चलता है कि 130 ईस्वी में चस्टन अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन कर रहा था चस्टन का पुत्र जयदमन कभी महाक्षत्रम नहीं बन सका मुद्राओं पर उसकी केवल क्षत्रप की है क्षत्रप की उपाधि है इस आधार पर बुललर तथा भंडारकर ने निष्कर्ष निकाला है कि उसके समय में सकों को सातवाहनों के हाथों पराजय उठानी पड़ी थी परंतु इस प्रकार का निष्कर्ष सही नहीं है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने छत्रप वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे भी हम ऐसे ही आपको इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते रहेंगे तो बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज से